मेयर कराची, सियासी जमातों के जोड़ तोड़ के लिए रबते इस वक्त जारी हैं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। कफील अहमद बोल न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, मजीद जानेंगे। जी कफील, बताइएगा। देखिए, मेयरशिप हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ जो है वो पार्टियों के दरमियान जारी है। दो रोज कबल जो है वो पीपल्स पार्टी पहुंची थी इदारे नूर हक और मुलाकात हुई। तो हम आज जो है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी पहुंची और वहाँ अली जैती जो कि सदर हैं सिंध के, उनसे मुलाकात हुई। तमाम उस जो मुलाकात के अंदर कोई खातर खा जो मेयरशिप के हवाले से जो सपोर्ट चाहिए थी वो हासिल नहीं हो सकी और वो सिर्फ इस बात पर मुत्तफिक हो सकी कि दो रुकनी कमेटी बना दी गई है और एक दूसरे की जो मैंडेट है उसके तहफ्फुज के लिए जो इकदाम किए जाएंगे। और जब जो मीटिंग के हवाले से बातचीत थी, अगर ये कहा जाए कि उसने किसी भी तौर पर भी जब जमात इस्लामी उस सपोर्ट की तरफ कोई बात करनी चाहिए तो जराए हमें इस बात को कन्फर्म किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान से कोई कादर का जवाब नहीं दिया गया। और अब ये कहा गया कि जो और जबकि एक दावा और भी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से कि जो 40 सीटें हैं उसमें 4 सीट और उसको और इसके अलावा मजीद उस 78 सीटों का जो है वो दावा के अपना कर दिया है। जरा ये बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके कहने की अब वो इस पोजिशन में है कि जो मेयरशिप है उस सवाल से अब वो भी इकदाम जो है वो कर सकते हैं। तो ये मुलाकातें जारी हैं, तमाम कोई खातर का नतज जो अब तक सामने नहीं आए हैं और तमाम पार्टियां इस बात की कोशिश कर रही हैं कि वो जो कराची के मेयरशिप है। ओके कफील, आपसे मजीद बनते रहेंगे। अभी कोई खातिर खान नतीजा इन मुलाकातों का सामने नहीं आया।